साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति में एंट्री का ऐलान कर दिया है। ऐलान के बाद से ही तमिलनाडु की राजनीति के सभा और सभी समीकरण बदल गए हैं। इसी बीच रजनीकांत और सुपरस्टार कमल हासन के मलेशिया में कार्यक्रम में एक साथ मंच साझा करने की संभावना है। फिल्म उद्योग से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि रजनीकांत मलेशिया पहुंचेंगे, वहीं हासन अभी अमेरिका में हैं, उनके भी जल्द ही पहुंचने की संभावना है। रजनीकांत ने राजनीति में प्रवेश का ऐलान कर दिया है, लेकिन हासन ने अभी इसको लेकर औपचारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि उन्होंने हासन से राजनीति में अपने प्रवेश को लेकर मजबूत संकेत भी दिए हैं। ये कार्यक्रम नादीगार संगम के नए भवन के निर्माण के लिए धन इकट्ठा किए जाने के लक्ष्य से के साथ किया जा रहा है। इसे आधिकारिक तौर पर दक्षिण भारतीय फिल्म कलाकार संघ कहा जाता है। रजनीकांत ने 31 दिसंबर को राजनीति में उतरने की घोषणा की है। कुछ ही दिनों के भीतर हजारों लोगों ने वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए रजनी की टीम को ज्वाइन किया है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के लेजेंड ने जाति और धर्म के पूर्वाग्रहों से मुक्त आध्यात्मिक राजनीति की बात कही है। उन्होंने तमिलनाडु में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का इशारा किया है। राजनीति में उतरने की घोषणा के बाद रजनीकांत ने सबसे पहले करुणानिधि से मुलाकात की है। अभिनेता से नेता बने रजनीकांत ने बुधवार को डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच इस मुलाकात में तमिलनाडु में नए गठबंधन के कयास जोर पकड़ने लगे हैं। दूसरी ओर डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन ने रजनीकांत पर निशाना साधते हुए कहा है कि तमिलनाडु द्रविड़ आंदोलन का उद्गम स्थल है, जहाँ आध्यात्मिक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है।